हरे कृष्णा। अजा एकादशी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी जया कामिनी तथा अजा नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत रखने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को रखना चाहते हैं उन्हें दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि व्रत के दौरान मन शुद्ध रहे। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय के समय स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर फलों तथा फूलों से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा के बाद विष्णु सहस्र नाम अथवा गीता का पाठ करना चाहिए। व्रती के लिए दिन में निराहार एंड निर्जल रहने का विधान है, लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि बीमार और बच्चे फलाहार कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में रात्रि में भगवान की पूजा के बाद जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में रात्रि जागरण करने का बड़ा महत्व है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन बैंगन नहीं खाएं। अजा एकादशी महत्व। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का नाम तथा विधि क्या है सो विस्तार पूर्वक कही। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्री, भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम के वंश में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीदा था। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर शव दह करने का कार्य सौंपा। उसको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अस्मात उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताई तो मुनि ने उन्हें इसी अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहित का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उनसे शमशान का कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी चुनरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धर्म है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भागवत कृपा से रोहित जीवित हो गए। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को चले गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अजा एकादशी का पुण्य। पुराणों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक अजा एकादशी का व्रत रखता है उसके पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं। इस जन्म में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
अजा एकादशी के व्रत से अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करता है। हरे कृष्णा।